मुझे जैसा फील हो रहा है कि लिरिक्स सारे स्वालीना के लिए ही थे, सॉन्ग भी उसके लिए था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एमी वे के मचाएंगे पार्ट 3 पे। आई नो कि मैं काफी लेट हूँ इस वीडियो के लिए, फिर भी वी कैन नॉट मिस दिस वीडियो और वी कैन नॉट स्किप दिस वीडियो। बहुत लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट भी की थी, मुझे रिएक्ट करना ही करना पड़ेगा। सो बिफोर मूविंग टू वर्ड्स द वीडियो, मेरे पास यहाँ पे कुछ वाओ के प्रोडक्ट्स हैं। आई थॉट एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो मेरा रूटीन है, मेरा हेयर केयर रूटीन और मेरा स्किन केयर रूटीन, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अभी कुछ दिनों से ये वाओ की रेंज यूज कर रही हूँ। ये है वाओ का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, काफी अच्छा है, अच्छे से डर्ट एंड इम्प्योरिटीज रिमूव कर देता है एंड एक ग्लो देता है फेस को। एंड इसमें है लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल एंड विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड, जो आपकी डलनेस भी रिमूव करता है। और इस ब्रश के हेल्प से और इजी होता है यूज़ करना। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद आता है ये विटामिन सी फेस पैक, जिसको आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं एंड इसे आप 15-20 मिनट्स तक अपने फेस पर रख सकते हैं, उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। ये आपकी स्किन से डर्ट एंड पोल्यूटेंट तो रिमूव करता ही है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है एंड स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। सभी आप देखेंगे, मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड इसे मैं 15-20 मिनट्स तक रखूँगी अपने फेस पे एंड उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। और ये है विटामिन सी टोनर, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड आपके स्किन को, आपके फेस को काफ़ी रिफ्रेश फील कराता है पूरा दिन एंड समर्स के लिए, तो ये बहुत अमेजिंग है। एंड फिंगर्स की हेल्प से आप इस तरह से डैब डैब कर लीजिए एंड आप देख सकते हैं स्किन पे ये ग्लो। एंड नेक्स्ट ये है विटामिन सी सीरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है, बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है एंड इसको आप अपने फिंगर पे ऐसे हल्के से ले लीजिए अपने फिंगर टिप्स पे एंड रब करके फेस पर मसाज या टैप टैप कर लो। ये आपकी डल स्किन को रिवाइव तो करता है, साथ साथ एक ग्लो भी देता है फेस को। इसमें भी है विटामिन सी विच हेजल एंड हाइलुरोनिक एसिड, जो हेल्प करता है आपके फेस पर निशान को लाइट करने में एंड ऑल्सो हेल्प करता है आपकी स्किन को डैमेज होने से। इस विटामिन सी रेंज में है 98.5 नेचुरल इंग्रेडिएंट। बाकी वाओ एक इंडियन ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट्स में किसी तरह का हार्श केमिकल नहीं है। नो सल्फेट, नो सिलिकन, नो पैराबेन एंड नो एडेड कलर एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट होते हैं इनके। मैंने रिसेंटली ये वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन लगानी स्टार्ट की है, जो कि आती है SPF 55 एंड SPF 35 में। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन SPF 35। ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं घर पर, जैसे आप ज़्यादा टाइम धूप में बाहर नहीं रहते हैं तो आप इसको हर कुछ घंटे में रीअप्लाई कर सकते हो। ये आपकी स्किन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है बिना वाइट कास्ट छोड़े और आपकी स्किन के ऊपर ट्रांसपेरेंट शील्ड का काम करती है। ये आपको यूवी रेडिएशन से होने वाली एजिंग साइन एंड ड्राइनेस से भी बचाता है एंड स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड ये सभी प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। तो नेक्स्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये सनस्क्रीन SPF 55। ये एक्सट्रीम हाई कवरेज डिलीवर करता है बाहर के सन एक्सपोजर से। इसमें रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि रिच है विटामिन ए एंड ई एंड ये एक नेचुरल सन ब्लॉकर का काम करती है एंड ये एजिंग के साइन को डिमिनिश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेन, मिनरल ऑयल, सिलिकन, इट्स ऑल मेड विद द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जो कि आता है एक कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हो एंड ऑयल अच्छे से आपके रूट्स तक जाता है। एंड इसमें है अनियन ब्लैक सीड ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल। ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बाकी अच्छे से नरिश करता है। सो मैं थोड़ी सी ऑयल चंपी करूँगी एंड इसके बाद अपने बालों को धो लूँगी। तो चलो यार हेयर वॉश कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अनियन शैम्पू एंड इससे मैं अपना हेयर वॉश करूँगी। ये हेयर को मॉइस्चराइज करता है, साथ साथ आपके वीक हेयर को स्ट्रेंथन करता है। बाकी इसमें है विटामिन ई, जो आपके हेयर को हेल्दी रखता है एंड टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो आज मैंने हेयर कंडीशनर स्किप कर दिया है एंड मैं अप्लाई करूँगी हेयर मास्क। वीक में एक बार आपको हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ये आपके बालों को डीपली नरिश करता है एंड हेयर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, आपके हेयर को टूटने एंड फ्रीजिंग होने से हेल्प करता है। बाकी इस अनियन रेंज में 98% नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो अभी मैं अपने हेयर पे इसे अप्लाई कर लूँगी एंड 15-20 मिनट्स तक रखूँगी, उसके बाद मैं अपने हेयर को वॉश कर लूँगी।
15 मिनट्स हो गए एंड या मैंने अपना हेयर वॉश भी कर लिया। सो ये था मेरा वाओ स्किन साइंस का हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन जो कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया यूज करना एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। सो या गाइज, दिस वॉज माई हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एंड दीज प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। तो आप भी अपने वाओ के प्रोडक्ट्स जाकर खरीद सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इसको अमेजोन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। सो देर किस बात की, गो एंड गेट योर प्रोडक्ट्स नाउ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर वी गो। What is up? क्या बोल रहे सब लोग, क्या चालू है? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे त्री। हाँ भाई, अभी कुछ नहीं है फ्री क्या? मचाओ, तैयारी की नहीं बबले। सिंपल गाने बना के अब सबके मुंह पे हटा देंगे, तेरे मेरे बीच में कोई आएगा नहीं हटा देंगे। भाव खा ले जितना चाहिए, फिर भी देखो बटा लेंगे। दिल तेरे पास हार्ट बीट बटा लेंगे, सच्चे लव सपने बाकी देखो फंसा देंगे। कोई भी तंग करेगा देखो शॉट देके ढसा देंगे, चेहरे पे हसीला हुआ ना अपन देखो हंसा देंगे। 2021 है, किस देके मचा देंगे। जब से तेरे साथ तब से मेरा सब कुछ एक नंबर, तेरे लिए जगह रिजर्व, दिल खोल के देख अंदर। फेक बन कर रहना बोले अपने बस का नहीं, तेरे दिल तक पहुंचने को मिल रहा रास्ता नहीं। अपन भी हंसता नहीं पर यहाँ पे पिघल गए ले, अपन दोनों चिल्लाच में बाकी सब लोग जल गए ले। अपन तो निकल गए ले, सब गाने चल गए ले, रात अभी बाकी है सूरज तो ढलने दे। तेरे साथ हूँ तो पाड़ी सुबह शाम, तेरे साथ हूँ तो फील करूँ स्ट्रांग। तेरे से जब पहली बारी मिला ऐसा लगा मुझे कि आई नो यू सिंस वेरी लॉन्ग। ट्रिपिंग ऑन यू टू फड़े ट्रिप है, पता नहीं कौन सा खेल रही ट्रिक है। बाकियों के बीच में अलग से आती दिख के, तेरे बारे सोच के कितने गाने हैं लिख है। सिंपल गाने बना के अब सबके मुंह पे हटा देंगे, तेरे मेरे बीच में कोई आएगा नहीं हटा देंगे। भाव खा ले जितना चाहिए, फिर भी देखो बटा लेंगे। दिल तेरे पास हार्ट बीट बटा लेंगे, सच्चे लव सपने बाकी देखो फंसा देंगे। कोई भी तंग करेगा देखो शॉट देके ढसा देंगे, चेहरे पे हसीला हुआ ना अपन देखो हंसा देंगे। 2021 है, किस देके मचा देंगे। बहुत हार्ड है तू, मेरे दिल का जुगाड़ है तू, तेरे बिना मजा नहीं है, तुझे कैसे जाने दू। पास रहती है तो ऐसा फील आता, देते रहूं ढील, बोले मेरे इंस्टाग्राम की रील भर डालू तेरे साथ में। जमाना क्या सोचेगा देखा जाएगा बाद में, सबको यहाँ मालूम है बंटा कोई नहीं लगता नाद में। तो तू है मेरे साथ में क्या, सब गया भाड़ में, अब मैं हूँ नवाब है। सिर्फ रखू जैसे तू है करीना, मुराद तेरी पूरी करूँ तू मेरी सफीना। वाइब नहीं आ रहा कहीं पे भी तेरे बिना, सुधरा सिर्फ तेरे लिए पहले था कमीना। वैसे तू बहुत रावस है, कोई लाऊ ख्यालों में पब्लिक बोल रही ली क्या वैसे, सिर्फ तू चाहिए और ये समंदर, बाकी के लोग कमते हो जाओ, चलो बेटा जाओ यहाँ से। सिंपल गाने बना के अब सबके मुंह पे हटा देंगे, तेरे मेरे बीच में कोई आएगा नहीं हटा देंगे। भाव खा ले जितना चाहिए, फिर भी देखो बटा लेंगे। दिल तेरे पास हार्ट बीट बटा लेंगे, सच्चे लव सपने बाकी देखो फंसा देंगे। कोई भी तंग करेगा देखो शॉट देके ढसा देंगे, चेहरे पे हसीला हुआ ना अपन देखो हंसा देंगे। 2021 है, किस देके मचा देंगे। Wow, it was so funky, funny and enjoyable kind of song. Of course, मचाएंगे पार्ट थी तो ऐसा तो हो गई। एंड मुझे लगता है कि एमवे ने स्वालिना को देख के सारे लिरिक्स लिख दिए हैं।
मुझे जैसा फील हो रहा है कि लिरिक्स सारे स्वालीना के लिए ही थे एंड ये सॉन्ग भी उसके लिए था. बिल्कुल मस्ती मजा एवरीथिंग वाज इन दिस सॉन्ग. ये मेरे को भी पता है कि फर्स्ट पार्ट कितना ज्यादा हिट हुआ था एवरी पे. ये तो करना बनता ही था मेरे की तरफ. दिस वाज माय रिएक्शन फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू हैव लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो. आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की या रिव्यू करने की जरूरत है नहीं. सो या दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड इट वाज जस्ट फन एंड एंजॉयबल एंड एंटरटेनिंग सॉन्ग फ्रॉम NIA. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. प्लीज 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 एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. जल्दी हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए. खुदा हाफिज़ एंड अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.